वक्त ज्यादा दूर भी नहीं गया है जब अपने पसंदीदा गाने सुनने और वीडियो देखने के लिए मेमोरी कार्ड को भरवाया जाता था। टेक्नोलॉजी ने ऐसी करवट बदली कि आज ऑनलाइन यूट्यूब के मजे लिए जाते हैं और नेटफ्लिक्स इत्यादि पर पूरी फिल्म ही इंटरनेट के जरिए देख ली जाती है। लेकिन आने वाला समय और भी फास्ट होने वाला है। आज 4G सर्विस इंडिया में एक्टिव है और हम लोग इतने सारे काम इंटरनेट के जरिए कर पाते हैं। जरा सोचिए आने वाले दिनों में जब 5G की शुरुआत अपने देश में हो जाएगी तो कैसा होगा। उम्मीद है आने वाले साल में हमें 5G चलाने के लिए मिल जाएगा और मोबाइल सेवाएं भी पूरी तरह से बदल जाएगी। देश में 5G शुरू होने से पहले चलिए जानते हैं मौजूदा 4G और आने वाले 5G में कितना फर्क है। और अगर आप भी जल्दी 5G नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले तो हम ये जानने कि आखिर क्या है 4G। यहाँ 4G से मतलब है फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी। 2G और 3G से होते हुए 4G की शुरुआत हुई थी, जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में सबसे उन्नत मौजूदा तकनीक है। आज देश की सभी टेलीकॉम कंपनी 4G सर्विस प्रदान कर रही है, जिसके चलते स्मार्टफोन पर कंप्यूटर जैसे कार्यों को करना संभव हो पाया है। और क्या है 5G? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 5G का मतलब पांचवी जनरेशन। ये वर्तमान 4G सर्विस का एडवांस वर्जन होगा, जिसमें 4G के सभी फीचर्स को विकसित करके शामिल किया जाएगा। 5G सुपर हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करेगा। स्मार्टफोन्स में 5G की स्पीड पर इंटरनेट चल सके, इसके लिए क्वालकॉम, मीडियाटेक और बायोनिक जैसी टेक कंपनियों ने अपने चिपसेट व प्रोसेसर्स को भी लॉन्च किया है। 5G और 4G में जो पहला और सबसे बड़ा अंतर होगा वो होगी इंटरनेट की स्पीड। फिलहाल 4G की नेटवर्क की मैक्सिमम आइडियल स्पीड 100 MB प्रति सेकंड की दी जाती है, वहीं 5G में स्पीड 10 GB प्रति सेकंड होगी। यानी 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क की तुलना में 100 गुना ज्यादा फास्ट होगा। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़े मोबाइल बाजारों में से एक है। अपने देश में तेजी से स्मार्टफोन यूजर्स की गिनती बढ़ती जा रही है और सभी लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है। तेजी से बढ़ते मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट की बढ़ती खपत के हिसाब से मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ रहा है, जिसका असर मोबाइल सर्विसेज पर पड़ा है। लेकिन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ मौजूदा हालात बल्कि आने वाले भविष्य में भी करोड़ों लोगों के बोझ झेल पाएगा। सबसे पहले तो आपको लेटेंसी का मतलब बता दें कि जब आप किसी दोस्त को कोई मैसेज भेजते हैं तो आपके फोन से मैसेज सेंड होने से लेकर उसके फोन में मैसेज रिसीव होने तक के बीच के समय को लेटेंसी से मापा जाता है। ये समय बेहद ही कम यानी मिलीसेकंड का होता है। यूं तो 4G में भी लेटेंसी महसूस नहीं होती, लेकिन जरा सोचिए 5G में कितनी तेज हो जाएगी। कोई वीडियो प्ले करते हैं तो शुरू होने से पहले वो सभी फ्रेम्स को एक लाइन में लगाती है, फिर उसके बाद चलती है। इसे बफरिंग कहा जाता है। ऑनलाइन वीडियोस देखने के दौरान जब वो बीच में रुकती है और चक्कर से घूमता नजर आता है, वो नेटवर्क की कमजोरी को दर्शाता है। 5G के आने के बाद शायद बफरिंग शब्द भी इतिहास बन जाएगा। इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करने के दौरान जैसे ही कीवर्ड को लिखकर एंटर किया जाता है तो फिर वो पेज खुलकर सामने आता है। इसके बीच का कुछ समय लोडिंग में लगता है। 5G में लोडिंग समय और भी कम हो जाएगा, यानी एंटर मारते रिजल्ट सामने। 4G LTE में लोडिंग टाइम अमूमन 20 मिलीसेकंड पर सेकंड का बताया जाता है, जो 5G में 2 मिलीसेकंड पर सेकंड का होने का दावा है। जैसे कि हमने ऊपर भी बताया कि देश में स्मार्टफोन उपभोक्ता और इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। 4G स्पेक्ट्रम सीमित है और लगातार नए यूजर्स जुड़ने से एक ही नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर पहले जहां एक टावर पर 50,000 लोगों के फोन सिग्नल पकड़ते थे, वहीं अब उस टावर पर 1.5 लाख लोगों के फोन्स को सिग्नल दिया जा रहा है। इस वजह से नेटवर्क कंजेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन 5G में यह स्थिति रिफ्रेश हो जाएगी और बिना रुकावट सेवा मिलेगी। पबजी तो शायद आप सभी ने खेला होगा। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने फायर का बटन दबाया लेकिन गेम में फायर थोड़ी देर बाद हुआ, यानी बटन दबाने से लेकर उसका रेस्पॉन्स मिलने के बीच का जो समय है वो गेम लैग है। 4G की तुलना में 5G में यह लैग बेहद ही कम हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में ये वक्त 1 माइक्रोसेकंड से भी कम हो जाएगा। YouTube से लेकर Netflix और Amazon Prime का मिर्जापुर शो, ये हम सब इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए फिल्मों की तरह गेम्स को भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए खेला जाए तो कैसा होगा।
5G क्लाउड गेमिंग को आसान बना सकता है। इंडिया में ऐसा सफल हुआ तो आपको ना ही फोन ना ही कंप्यूटर में गेम की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ना ही PS, Xbox तथा महंगे गेम्स को खरीदने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपको बता दें, दूसरी पीढ़ी 2G नेटवर्क को 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था। इसमें डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग किया गया और जिसने 64 KBPS की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा और वॉइस ट्रांसमिशन दोनों का समर्थन किया। 2000 के दशक में थर्ड जनरेशन 3G नेटवर्क लॉन्च किया गया था। प्रदान की गई नेटवर्क गति 1 Mbps से लेकर 2 Mbps की सीमा में थी। 2009 में 4G लॉन्च किया गया और 100 Mbps से 1 Gbps की गति से डेटा ट्रांसमिशन की अनुमति दी गई थी। 1G तकनीक दुनिया में वायरलेस टेलीफोनी की पहली तकनीक मानी जाती है। ये तकनीक पहली बार 1980 में सामने आई और 1992-93 तक इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। इसमें डेटा की जगह रफ्तार 2.4 KBPS थी। इस तकनीक की बड़ी खामी इसमें रोमिंग का ना होना था। पहली बार अमेरिका में 1G मोबाइल सिस्टम ने इस तकनीक का प्रयोग किया था। इसमें मोबाइल फोन पर आवाज की क्वालिटी काफी खराब थी, साथ ही बैटरी भी बहुत ज्यादा खपत करता था। इस तकनीक पर चलने वाले मोबाइल हैंडसेट बेहद भारी हुआ करते थे। ये एनालॉग सिग्नल पर आधारित तकनीक थी। 2G तकनीक की शुरुआत 1991 में फिनलैंड में हुई। ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन पर आधारित तकनीक है, जिसे संक्षिप्त रूप में GSM टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस तकनीक में पहली बार डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया गया। इस तकनीक के माध्यम से फोन कॉल के अलावा पिक्चर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज भेजे जाने लगे। 3G तकनीक की शुरुआत 2001 जापान में हुई। इस तकनीक का मानकीकरण इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने किया था। इस तकनीक के माध्यम से टेक्स्ट, तस्वीर और वीडियो के अलावा मोबाइल टेलीविजन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल किया जा सकता है। इस तकनीक ने दुनिया में क्रांति ला दी और मोबाइल फोन की अगली पीढ़ी यानी स्मार्टफोन को बढ़ावा दिया। 3G तकनीक में डेटा के आने जाने की रफ्तार 40 लाख बिट्स प्रति सेकंड होती थी। 3G तकनीक का जोर मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफर पर है। 2G तकनीक के मुकाबले 3G की एक अहम खासियत यह है कि यह आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए अधिक सुरक्षित है। 4G तकनीक की शुरुआत साल 2000 के अंत में हुई थी। इसे मोबाइल तकनीक की चौथी पीढ़ी कहा जाता है। वहीं 5G के लिए अलग प्लान है। हमारे प्लान के मुताबिक 5G की कनेक्टिविटी हर जगह पर होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक जहां बड़े साइज वाले टावर्स का यूज हो रहा था और घर के छत पर टावर के जरिए फोन तक नेटवर्क पहुंचाया जाता था, 5G टेक्नोलॉजी में हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए मल्टीपल स्मॉल वेव एंटीना को लगाए जाएंगे। दरअसल ऐसा करने के पीछे एक वजह है, जो कि इसकी स्पीड और कवरेज, इस कमी को दूर करने के लिए ऐसा किया जाएगा। 5वीं पीढ़ी के इस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होता है। इसमें मिलीमीटर वेव का स्पेक्ट्रम में बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम हमेशा 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ही होता है और ये मिलीमीटर वेव हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस में ही होते हैं, जैसे कि वाईफाई काम करता है कम डिस्टेंस में। और यही वो वजह है जिसकी वजह से 5G नेटवर्क कवरेज के लिए हर जगह MM वेव एंटीना को लगाना होगा, जिससे इसके यूजर्स तक 5G नेटवर्क को पहुंचाया जा सके। साथ ही इससे 5G डिवाइस तुरंत कनेक्ट हो सके और आप 5G का आनंद उठा सके। बस आपको इसी से परेशानी तब होगी जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, तब ये मीडियम वेव एंटीना एक से हटकर दूसरे से तुरंत कनेक्ट होंगे। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है 4G और 5G पर, हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके पास भी तो फोन है और आपकी भी कई सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है, तो हमारे साथ अपनी राय शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय।